और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक। सब लोगों को एडवांस में बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक और बताइएगा किस किस की कितनी शॉपिंग हो गई है। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक। और आज का थंबनेल और टाइटल देखे तो आप सबको पता चल ही गया होगा और आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। आपको मेरे फेस पे भी एक्साइटमेंट नजर आ रही होगी। तो एंगेजमेंट के बाद आज मेरी फर्स्ट ईद ही आई है तो जो एक्साइटमेंट होती है वो तो फिर बयान ना कर सकती है। सो दो दिन पहले ही मेरी ईदी आ गई थी, मेरे ससुराल वाले देख के गए थे, तब मैंने दिखाई नहीं थी, बिजी थी। तो मैंने कहा चले जब भी मैंने अनबॉक्सिंग किया तो मैं अपनी क्यूटीज अपनी फैमिली के सामने अनबॉक्सिंग करूंगी। और मैंने भी जैनब को कहा था कि मैं जैनब के साथ बैठूंगी और जिसको ससुराल की तरफ दिया है अनबॉक्सिंग करूंगी। इसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि मैं भी देखूं इसके ससुराल की तरफ से क्या है। जो जैनब के फैंस हैं कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी कि जैनब को क्या ईदी आई है इसके ससुराल की तरफ से। तो अभी हम लोग आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं क्योंकि मैंने पहले खुद भी ईदी नहीं देखी, आप सबके सामने ही ईदी देखूंगी। चले आए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करनी थी जैनब को, जैसे जैनब की ईदी आई है और मैं ये दुआ करूंगी कि जैनब हमेशा खुश रहे, आबाद रहे अपने घर में और इसके रिसीव बहुत ज्यादा अच्छे हों, बहुत ज्यादा कामयाबी से मिले और यूट्यूब पे ऐसी कामयाब होती रहे। चले आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाती हूँ। शूट कर लो आपकी ईदी, मैं दिखा देती हूँ। दोनों दिखा लेते हैं यार, दोनों दिखाते हैं। तो ये मेरे ससुराल वालों की तरफ से ईदी आई है। ये देखें यहाँ पे 3 बास्केट्स हैं और यहाँ पे एक शॉपिंग बैग है। लेट्स सी देखते हैं क्या क्या मुझे रिसीव हुआ है मेरे ससुराल वालों ने मुझे ईद में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो मेरे ससुराल वाले हैं दे आर वेरी लविंग एंड केयरिंग। आमीन। सो जो एंगेजमेंट है वो तो हमने सिंपल ही की थी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उसके बाद फिर सारी कसर इधर पूरी हो गई है। और माशाल्लाह जब जैनब की शादी होगी फिर तो दो मच जानी है कि कब होगी। बहुत लोगों को इंतजार है जैनब की शादी, मुझे खुद बहुत है लोगों क्या उसकी बहन को बहुत है कि कैसा सब कुछ होगा, सोच के भी इतना अच्छा लगता है। तो फिर देखे क्या होता है जब जैनब की। अच्छा चलिए ईद दिखाना फिर स्टार्ट करें। जी कहते हैं। सो जो पहला गिफ्ट है वो तो मैंने माशाल्लाह से पहले ही गले में पहन लिया, वो मैं वीडियो स्टार्ट करवाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। एंड जो मेरी क्यूटीज है जिनके एंगेजमेंट हुई है या निकाह हुआ है जिनके ससुराल वालों की तरफ से ईद आई है, वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ईद में क्या क्या मिला है, फटाफट से बताएं। तो गाइस ये पहली बास्केट है, ये मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। बास्केट तो बाहर में जरा दिखाइएगा, फैंस को कुछ और दिखा देते हैं। मैंने लॉकेट पहना हुआ है, मैं डीजे डू है। हां तो गाइस पहला गिफ्ट ये है। हां तो गाइस पहला गिफ्ट ये है जो मैंने अपने गले में पहने, ये लॉकेट। ये मुझे सबसे प्यारी चीज लगी है मेरे जीजू की, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा एज लिखा हुआ है तो ये इन्होंने मुझे लॉकेट बनवा के भेजा है। तो मैंने ये गले में पहले मुझे पसंद ही इतना आया, प्यारा इतना लग गया। सबसे ज्यादा जो बॉन्डिंग है ना वो मेरे जीजू के साथ है। सबसे ज्यादा भाई हमजा के साथ बहुत अच्छे है, बहुत केयरिंग है, बहुत लॉयल है। उनकी जितनी तारीफ करूँ ना मैं कम है, वर्ड्स में तो बता ही नहीं सकती। आपकी बहन कम लॉयल है, पहले आप मुझे इस चीज का जवाब दे। नहीं मैं सिर्फ बात कर रही हूँ ना। अच्छा तो ये पहले मैं भी रख लेती हूँ, आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले बाकी साइड ड्रेसेस दिखाती हूँ। सो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, लाइट पर्पल सा कलर है, सीले देखे सारे ड्रेस बहुत प्यारे हैं। सो हम आपको खोल के भी दिखाते हैं ये। ये देखें ये कुर्ता कुछ इस तरीके का है, ये यहाँ पे कट है और ये इसकी सारी शर्ट है। ये आप लोग चेक करें कितनी खूबसूरत शर्ट है ये। और ये बैक, हाँ और ये इसकी बैक है, ये देखें। तो ये है अभी देखें, ये स्लीवलेस में शर्ट है ब्लैक में, ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक है, ठीक है। ये शर्ट हो गई, ये कम्प्लीट सूट बहुत प्यारा है, प्यारे आपके नसीब भी करें। आमीन आमीन थैंक यू। सो ये सूट है और उसके ऊपर ये ब्लेजर टाइप बना हुआ। आप जैनब की वीडियो मैं शूट करी गाइस। मैंने आपको सूट दिखा दिया, उसके ऊपर ये ब्लेजर है, लाइट सा ब्लू कलर है, तो इस कलर का ही साथ ब्लेजर है। तो ये 3 पीस सूट हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट वन ये है, ये कलर बहुत प्यारा मुझे लग रहा है, देखने से ही कलर बहुत प्यारा लग रहा है। सो मैं आपको ये दिखाती हूँ। सो ये सिल्क में शर्ट है, ये भी 3 पीस सूट है। ये ड्रेस है, आप इसकी डिटेलिंग कुछ ऐसी है, इसका गला देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसका गला बहुत प्यारा है यार।
इसके साथ ये इसका स्लीव है, ये आप देखिए आप खुद से आ रही है ना इसलिए। तो ये ड्रेस हो गया और इसके साथ ये कैपरी है और ये साथ दुपट्टा है, मैं आपको कैपरी भी दिखा देती हूँ। सो ये साथ इसकी कैपरी है, ठीक है, ये कंप्लीट सूट हो गया और ये साथ इसका दुपट्टा है। सो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं कि ईद वाले दिन मैं कौन सा पहनूं, ईद डे फर्स्ट, जो ज्यादा आए कमेंट्स जिस ड्रेस पे देना फिर वही वेयर करेंगे। हाँ इंशाल्लाह वही वेयर करूंगी जरूर, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कि इस शॉपिंग बैग में क्या है। कितना प्यारा है, ईद मुबारक लिखा हुआ है। हाँ, ईद मुबारक लिखा हुआ है। आपको मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी ईद मुबारक बहुत बहुत एडवांस में यार। ओह माय गॉड, मेरा आपको छोटी ईद पसंद है, बड़ी छोटी ईद पसंद है, जो बड़ी ईद है वो तो बकरा ईद। नहीं, ईद तो दोनों ही ठीक होते। ओके, सो मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ, ये ऑफ वाइट में है और मैं आपको खड़ी होकर दिखाती हूँ। सो ये सूट है, देखिए बिल्कुल सिंपल बना हुआ है और ये इसके स्लीव्स देखिए कितने डिसेंट हैं, इसमें लाइट पर्पल एंड लाइट पैर कलर है। इसकी शर्ट है लॉन्ग, ये शर्ट इसकी और ये इसका ट्राउजर है इसके साथ, जैसा कि ये भी लॉन्ग शर्ट है तो इसके साथ भी ट्राउजर है, ट्राउजर ज्यादा प्यारे लगते हैं। ये देखिए इसके साथ ट्राउजर है, ये कंप्लीट सूट हो गया, साथ साथ ये दुपट्टा है। रियली करीब से दिखाएं दुपट्टा, देखिए इसका दुपट्टा कितना ज्यादा प्यारा है, ये देखिए प्यारा ना। लेके दिखाती हूँ सबसे पहले ऊपर, मुझे दुपट्टा ऊपर लेना बहुत ज्यादा पसंद है ये ड्रेसेस के साथ। मुझे साथ कैसा लग रहा है स्पीड? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। हाँ जी, तो गाइस फिर आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? मैंने आपको दो ड्रेस और दिखाने, फिर आपने सिलेक्ट करना है। जो लॉकेट पहना हुआ है उसकी वजह से तो क्या ही बात है, माशाल्लाह देखे स्माइल। तो इसको चले जी एंड पे खोलते हैं, पहले मैं आपको वो वाला ड्रेस दिखा देती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो मुझे ट्राउजर शर्ट लग रहा है, ओपन करके देखते हैं। यस, मेरा गेस बिल्कुल ठीक है। तो ये ब्लैक में देखें, इस तरीके की शर्ट है, स्लीवलेस और इसके साथ ये ट्राउजर है। सो ये ट्रैक सूट है, ट्राउजर शर्ट, ठीक है। ब्लैक कलर तो होता ही प्यार है, हर किसी का फेवरेट होता है तकरीबन। मेरे ससुराल वालों को मेरा फेवरेट कलर पता था, ब्लैक ऑलवेज, ऑलमोस्ट सबका ही होता है ब्लैक है। हाँ, एक मेरा ब्लैक फेवरेट है, अरे ब्लू मुझे पता है। हाँ, मेरा बताएं, आपका रेड है शायद, ये जो आपने पकड़ा हुआ है हैंड में। ओके, मैं आपको ये दिखाती हूँ ड्रेस। अब आपको मैंने ये खोल के दिखाया तो आप लोगों ने देख के ना, ये तो देखा देखा लग रहा है। जी हाँ, जब ये मैं उसे लेने गई थी शाहपुर से, तो क्या हुआ था कि जब मैंने देखा था तो मुझे ना अच्छा लगा था, मुझे नहीं पता चला कि फिर उन्होंने ये इसमें रख दिया। हमजा ने मुझे बोला था कि आपके लिए एक सरप्राइज भी है, मैंने कहा क्या सरप्राइज है, तो उन्होंने मुझे बोला जब आप ड्रेसेस चेक कर रही होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो वो ये मैंने देखा तो मुझे पता चल गया, मुझे बहुत खुशी हुई है देख के। तो मैं आपको अपनी ये फ्रॉक दिखाती हूँ रेड कलर की। एक्चुअली आजकल जो रेड कलर है ये इतना प्यारा लगता है ना, बहुत प्यारा कलर है और ये प्योर रेड है, तो मुझे इसलिए ज्यादा पसंद आई थी। आप लोग ये फ्रॉक चेक करें, OMG my most favorite, इसकी स्लीव्स बहुत प्यारे हैं। मैं तो ऑलरेडी देख के आई हुई थी ना वहां पे। अब आप लोग बताइए कैसी फ्रॉक प्यारी है। हाँ, ये इसकी बैग है, बैग भी बहुत प्यारी है। कैपरी जो है वो खोल के दिखाऊंगी, साथ की रेड कैपरी है, ये आप देखें फ्रॉक नीचे कैपरीज नजर आती ही नहीं है बेसिकली। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, मेन चीज ये मैं आपको ऊपर लेके दिखाती हूँ अभी दुपट्टा इसका। सो देखिए, आप गाना बनता है ना, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे कलर बहुत पसंद है रेड, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रेड बैग भी पकड़े ना जरा, ना ना अभी नहीं बताना, भी हम वास्तव में खुद दिखाएंगे ना, सरप्राइज है क्यूटीज के लिए, सबके लिए सरप्राइज है। वो इंशाल्लाह कॉम्बो बना के उनको दिखाते हैं, दिखाते हैं। ये देखें दुपट्टा इसका वाकई बहुत प्यारा है और बहुत डिसेंट है ना। अब मैं सोच रही हूँ फर्स्ट डे पे यही ना पहन, रेड ज्यादा अच्छा लगे, चलिए देखते हैं लोग क्या कहते हैं। हाँ बाबा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा पहनना चाहिए। जैसे मैं आपको ये बास्केट दिखाती हूँ, तो सबसे पहले आप इसकी फ्रंट देखें। अभी मैं यहाँ पे ये बॉक्स निकालती हूँ सबसे पहले, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है ईद मुबारक, पहले ये चेक कर लेते हैं। ओह माय गॉड, माय मोस्ट फेवरेट थिंग्स। सो ये नेल्स है, ये नेल्स का सेट है 4 का, ये देखें, ये 3rd वन और ये 4th वन, ये नेल्स के सेट्स हैं। मैम नेल मुझे वाकई बहुत बैठ गए आपके, है ना। सो ये दो लिपस्टिक्स के शेड है साथ, ओके बता दो के साथ का, और ये मैं आपको दिखाती हूँ दोनों कलर्स एक साथ। ये दो लिपस्टिक्स हैं, ये देखिए। उसके अलावा ये 3 नेल पेंट्स हैं, एक शिमर में है, एक पर्पल में है एंड एक व्हाइट में है, एक लिप एंड चीक टिंट है। वैसे ही होता है, अगर आपको मेकअप करने को दिल ना करे कहीं इमरजेंसी जाना तो बंदा टिंट लगा ले। सो अभी जल्दी जल्दी दिखाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, हमने दो चीजें और भी दिखानी है। तो यहाँ पे ये हैंड क्रीम्स हैं दो मेरे पास, उसके अलावा एक शी की परफ्यूम है, ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। वैसे भी जो मिनी परफ्यूम्स होती है ना ये इजी टू कैरी होती है, बैग में आसानी से रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। सो ये देखिए, ओह माय गॉड। सो यहाँ पे मेरे पास है हुदा ब्यूटी का एक सेट है, इसमें अब मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या है, तो अभी मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। अभी मैं इसको अनबॉक्स नहीं कर रही हूँ। ओह माय गॉड, सो स्वीट,
ओके सो इसमें अब शू के पेयर्स हैं, हील के पेयर्स हैं एंड बैग्स हैं। सो पहले मैं आपको क्या दिखाऊं, फिर बताओ शूज दिखाओगे बैग्स? बैग्स। ओह सो स्वीट, सो स्वीट। ये देखें जी, ये इतना खूबसूरत सा बैग है, मुझे बहुत पसंद आया है। ये देखें स्वील, ऐसे रख के दिखाओ आप। अरे मैं आपको सेकंड वन दिखाती हूँ, ये क्लच है गोल्डन में। इसके अलावा रेड वाले की तो क्या है, ग्रेस है माशाल्लाह। यार रेड कलर ही ऐसा है, आई थिंक सो कॉम्बो है फ्रॉक के साथ का ना। मैं आपको पहले आप पहले बैग देख ले फिर आपको दिखाती हूँ। रेड कलर है ही बहुत प्यारा। इसको हम टू वेज से कैरी करेंगे, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। देखिये फ्रॉक के साथ ये बैग है। सो ये है जी फर्स्ट पेयर हील का, ये देखे। और सेकेंड वन है जी ये, सो मैं आपको निकाल कर पहन के दिखाती हूँ। सो देखिए कितनी प्यारी हील्स हैं, सो दिखाएं ऐसे, ये देखें जी आप सब। पहले मैं आपको थर्ड वन भी दिखा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, ठीक है? एंड पे मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स। फ्लैट्स में क्या है कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल फ्लैट्स में रहती हूँ। ये भी हमारी होगी कंप्लीट, अभी आपको थर्ड वन दिखाती हूँ। तो अब ये मिनी सी बास्केट है, बहुत क्यूटू सी है, सभी इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। सो फर्स्टली तो इसमें आते हैं जी टू एनवेलप्स हैं, इसमें कैश है। अभी मुझे ईदी सबकी तरफ से जब इकट्ठी हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास कितनी ईदी कलेक्ट हुई है। सो थोड़ा सा खोल के हम देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें कैश है। यार मैं बास्केट से पहले पहले आपको मैं ये सेट दिखा देती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या है। देखते हैं, इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है, ओपन करते हैं। ओह माय गॉड लवली। ला इसके लिए मैं खुद दिखाती हूँ। सो ये देखें आप लोग, ये बॉडी वॉश है, ये परफ्यूम है, ये मिनी परफ्यूम है और ये बॉडी स्प्रे है। तो ये कंप्लीट सेट है। सो अभी इसको रख देते हैं ऐसे साइड पे। सो मैं अभी दिखाती हूँ आपको अपनी बास्केट। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। सो इसमें है जी ईद का कार्ड, ईद मुबारक। इसमें विशेज लिखी हुई है काफी सारी, मैं बाद में बैठ के पढ़ती हूँ फोन से। ईद है तो मेहंदी के घर कैसे कंप्लीट हो सकती है, तो इसमें ये मेहंदी है। मुझे एक्चुअली बैंगल्स के सेट बहुत ज्यादा पसंद है, सो यहाँ पे बैंगल्स के सेट हैं। पहला ये है, बैंगल्स ना हो हैंड पे तो ईद ही दूरी है। हाँ सो ये पहला सेट है। सेकंड ये व्हाइट में है, ऑफ व्हाइट एंड गोल्डन में, प्यारा कॉम्बो है। उसके बाद ये मैरून में है, देखो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं तीनों सेट, देख लें इधर से भी आप। ये एक मस्कारा और एक लाइनर है, वैसे ज़ारा को ज्यादा मस्कारा पसंद है। वन मोर शीकी परफ्यूम। इसके अलावा ओह माय गॉड रिंग, नाइस, सो स्वीट, रियली थैंक यू। ये मैं अभी पहन के चेक करूंगी, सो स्वीट, खुशी देखे गाइस के फेस पे। सो यहाँ पे एक हाइलाइटर है। इसके अलावा इसमें है जी ये सीरम है, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये एक सीरम है इसमें। सो द लास्ट गिफ्ट इज शनल का परफ्यूम सेट है। ये बिल्कुल मिनी परफ्यूम्स है, ये देखिए अच्छे तरीके से आप लोग कैरी कर सकते हैं बैग्स में। आपको खोल के दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इस तरह की चीजें, मिनी मिनी चीजें मुझे ज्यादा पसंद आती हैं। सिर्फ कैमरा पास लाएं अभी आप लोग, ये देखिए फाइव इसमें मिनी परफ्यूम्स है। यार कितनी क्यूट टूशी है, कितनी क्यूट पैकेजिंग है। अभी ओपन होने वाली है, ठीक है? सो बाद में शूट करके मैं थक गई हूँ, लंबी थी ना। अच्छा तो ये सारे मेरे गिफ्ट है, ये देखिए अब कितना मैस क्रिएट हो गया, ये सारा संभालना है। आप सब बताएं कि आप सबको मेरी ईदी कैसी लगी है और आपको क्या क्या ईद में मिला है, आप लोग भी बताइएगा। साथ में मिठाई की भी बास्केट आई थी, फ्रूट की भी बास्केट आई थी साथ, लेकिन वो क्या है मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी बन जानी। तो स्वीट्स की और फ्रूट्स की मैंने आपको बास्केट नहीं दिखाई, ऑब्वियसली वो तो फिर साथ होती होती है, उसकी भी सेम ऐसी पैकेजिंग थी। मैंने कहा चले वो रहने देते हैं, ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे बहुत लंबी हो जानी है। मेरे ससुराल वालों की तरफ से थी जिसमें उनका वो प्यार नजर आ रहा था। ईदी बहुत अपनी पसंद आई है, बहुत पसंद आई है, थैंक यू। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो ठोको आज लाइक। आज आप लोगों ने 1K लाइक्स कंप्लीट करने हैं, आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक शेयर कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे ईद का बहुत मजे का शूट आ रहा है। हाँ आप लोग चाहते हैं तो ये जो मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे आउटफिट्स रिसीव हुए हैं, कपड़े रिसीव हुए हैं, तो मैं इन पे भी ट्रांजिशन बनाऊंगी अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे जरूर इंशाल्लाह, ठीक है? तो मैंने आपको अपनी ये हील्स पहन के दिखा दी है, अब आप लोग बताएं कि ये हील्स कैसी लग रही है। अभी आपको सेकंड वन भी दिखाती हूं, मैंने आपको ये अपनी फ्लैट्स पहन के दिखाए। सो थर्ड वाली फिर कभी आपको पहन के दिखा दूंगी, अभी फिलहाल आप मैं दो पहन के दिखा रही हूं।
सो जैसा कि मैंने आपको भी अपने जूते पहन के दिखाए हैं, तो आप लोग बताएं कि आपको मेरे जूते पहने हुए कैसे लगे हैं। ससुराल वाले आपके नजर नहीं आए, तो ये थोड़ी चीज मेरी प्राइवेट है, ये मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। बाकी मैं आपको दिखाने तक दिखा सकती हूँ, तो मैंने आपको सारी दिखा दी है, वो चीज थोड़ी प्राइवेट है। तो शादी के बाद मैं आपको अपने इन-लॉज से जरूर मिलवाऊंगी, बहुत अच्छी है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, देखें, एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।